मध्य प्रदेश के दतिया में ग्वालियर चंबल संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार मतदाता सूची के लिए किए गए पुनरीक्षण कार्य का रोल प्रेक्षक के रूप में कार्य का दतिया पहुंचकर अवलोकन किया और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर संभागायुक्त के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप राजस्व अधिकारियों की बैठक भी ली। कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई इस बैठक में संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने राजस्व अधिकारियों को समय सीमा में सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। आम मतदाताओं से लेकर बुजुर्ग मतदाताओं के मतदान को लेकर भी तैयारियां की गई। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण का जो कार्य संचालित किया गया था, उसमें रोल ऑब्जर्वर के रूप में आज दतिया जिले में राजनीतिक दलों और जो ईआरओ हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके साथ बात की गई है। दतिया में जो पूरा कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से संपन्न हुआ है। 5 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की एक अद्यतन सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध करा दी गई है। किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं और दतिया जिले के जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर ईपी रेशियो, जेंडर रेशियो पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। इसके साथ ही जो नए मतदाता हैं जो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे हैं, उनके जोड़ने के लिए भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है और नए मतदाताओं के नाम जुड़े हैं। मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने या संशोधन एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर कोई भी मतदाता अपने नाम में जोड़ना या कोई संशोधन कराना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन आवेदन इसमें प्रस्तुत कर सकता है। दतिया जिले के राजस्व विभाग की आज बैठक की गई है। सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, आबादी सर्वे और भू अधिकार पट्टों के संबंध में चर्चा की गई है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण के लिए भी बात की गई है। ये निर्देश दिए गए हैं कि सीमांकन के सभी प्रकरण 1 महीने में निराकरण होने चाहिए, नामांतरण के प्रकरण 3 महीने में और बंटवारा के 6 महीने में प्रकरण निराकरण होने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवास के लिए पट्टे दिए जाने हैं उसके लिए एक विशेष अभियान जनवरी और फरवरी में चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और ये प्रयास किया जाएगा कि दतिया जिले में कोई भी व्यक्ति अगर आवासहीन है या भूमिहीन है तो उसको आबादी का पट्टा जरूर दिया जाए ताकि उसके आवास की व्यवस्था शासन के द्वारा हो सके।